प्रखंड गौनाहा के हर गांव में लोगों को शौच के लिए खुले का ही सहारा लेना पड़ रहा है। पंचायत रुपलिया प्रखंड कार्यालय के नज़दीकी गांव है, पर यहां के लोग को निर्मल भारत योजना के तहत चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार का शौचालय बनाने के लिए 10,000 रुपये दिए जाए, लेकिन यह जानकारी मात्र अधिकारियों और कुछ प्रतिनिधि तक ही सिमट कर रह जा रही है। अच्छा, ये बताएं कि गांव में सबसे मतलब महत्वपूर्ण समस्या कौन सी बैठे? शौचालय कई गांव में शौचालय नहीं है। करो शौचालय बा धनी लोग के बा गरीब लोग के नहीं खे, गरीब लोग के तो खाही में हरान बा, तो शौचालय कहाँ से बन? शौचालय ना रहने से करो कौन कौन दिक्कत? बहुत दिक्कत बा, बाहर गए पर अब अथी रंग बिरंग के बीमारी फैलता, दिक्कत होता हाथ पाख में गए से। कौन कौन दिक्कत होला? तन दिक्कत बा जे रहुए पर्दा नहीं खे, केनो आदमी बैठता तो रहुए टाट खोले बनी, दूसरे खोले बनी गाड़ी देवल झगड़ा भई, तो आदमी का करो बारी जान में दही नहीं होता, तब बारी जान में आदमी मैदान करता बैठता दूसरे साथी खोलता। तो शौचालय रहुए नहीं खे तो एक खतरा रहुए कब मतलब कि प्रयास कैले बने को मुखिया से बात कैले बने? ना मुखिया से नहीं के बात, ए तरह लोग एथी कैले बात, आदमी लिखवाउले बा आज तक ले आवते बा, कोनो एथिए ना सुनो आइए ना मिल आज ले। तो वो शौचालय नहीं खे तो कैसे कहाँ जाने शौच करे? सरेह में। हाँ, मैं चाहती हूँ कि निर्मल भारत योजना के तहत हर घर में निजी शौचालय बने, जिसके लिए मैं अपने समुदाय के मदद के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देने जा रही हूँ। मैं आप लोग से अपील करती हूँ कि इस लड़ाई में आप हमारे साथ दें, जिसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनका मोबाइल नंबर है 94-21-81-84-44 इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडियन हर्ड के लिए।